सो पार्ट टू देखिए क्या दे रखा है आपको, 2/3 एक्स वाई इंटू माइनस 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ नहीं करना है बच्चों, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए किस तरीके से 2/3 है ना, और इंटू ध्यान दें ये क्या लिखा है, माइनस 9/10, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। ओके, अब इंटू एक्स इंटू वाई, देखो ये एक्स वाई को मैंने एक्स इंटू वाई लिखा, इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, बस ये लीजिए हो गया सारा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो कैसे करेंगे बच्चों, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 3 से हम 9 को काट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है पक्का। ओके देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ऐसा लिखाओ 2/3 इंटू, पहले कुछ प्रैक्टिस कर लो फिर उसको बाद में करेंगे। देखो 2/3 इंटू 6 बाय, मान लो बच्चों लिखा हो 20, तो पता है ये इससे कटता है और ये इससे कटता है, 3 1 3 2 2 1 2 10, ऐसे आप काट सकते हो। उसके बाद 2 1 2 2 5 10, ऐसे आप काट सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है बच्चों। जैसे हमने आपको सवाल दिया, मान लो 5/10 नहीं 5/21 कर लेते हैं, और इंटू में बच्चों 3/15 दिया उसने, करेक्ट। सो 5 1 5 5 3 15 3 1 3 3 7, ऐसे आप कर सकते हो। ऊपर 1 इंटू, तो ये 5 बन जाता 1 इंटू 1, ऊपर 1 बचेगा, और नीचे 7 इंटू 3 21, 7 3 21, ठीक है। इसी में एक सवाल हम आपको देते हैं, 2/12 इंटू उसने दिया -10/-24 कर लो, है ना, -24/13 ऐसे दे दिया, ठीक है। सो 12 1 12 12 2 24, अब देखो ये वाला माइनस का आपको ख्याल रखना है बच्चों, इस बात का भी ध्यान देना। सो ये प्लस का 2 है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और 2 2 क्या हो जाएगा, 4, और अपॉन में क्या बचेगा, 13, ये लीजिए। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखो बच्चों 3 1 3 और 3 3 कितना आएगा, 9। अब आपको ध्यान देना है क्या बचा, 2 बचा और माइनस का 3 बचा। सो 2 × -3 अपॉन में क्या है, 10 है। ओके, अगर आप चाहते तो एक काम और कर सकते थे, 2 1 2 और 2 5 क्या होता है, 10। सो 1 × -3, ये 1 है और ये माइनस का 3 है, तो बच्चों 1 × -3, बताओ आंसर क्या आएगा, 1 प्लस का है, -3 है, तो प्लस माइनस 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 का 3 आएगा, तो ध्यान रखना माइनस को भूल मत जाना। ओके, सो 1 × -3 -3, और नीचे क्या बचा, देखो 3 1 3 था ना, यहाँ पे 3 3 9, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 5 × 1, तो नीचे 5 × 1 या 1 × 5 कितना आ जाएगा, 5, ये ऐसे होगा, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई को मैंने एक्स इंटू वाई लिखा, ओके, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा। अब करना कुछ नहीं है, एक्स की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और वाई की पावर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, ठीक। अब लाइक टर्म्स को पास पास ले आओ, मतलब ये देखिए एक्स की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लाइक टर्म्स, मतलब जिसमें एक जैसे वेरिएबल हैं, वाई की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2। अब आप चेक कर लो, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ से आ जाएगा कितना, -3/5, ओके, इंटू एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, 1+2 3, और इंटू में वाई की पावर 1 वाई की पावर 2, तो कितना जाएगा, 1+2 यानी कि 3 हो जाएगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा, -3/5, ओके, और बस इंटू हटा दो यहाँ से, तो x³y³, ठीक है ना, x³y³, करेक्ट। सो -3/5 x³ y³ या आप बोल सकते हो -3/5 x³y³ इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट।